सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सोनीपत के मुख्य मार्केट कच्चे क्वार्टर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कच्चे क्वार्टर के दुकानदारों पर अतिक्रमण करने पर चालान काटे गए हैं और मेन गली में रखे सामान को जब्त किया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पहले नोटिस दिए गए थे लेकिन दुकानदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और अगर दुकानदार आगे भी अतिक्रमण करते हैं तो इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये तस्वीर है सोनीपत के मुख्य मार्केट कच्चे क्वार्टर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ये हड़कंप नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई पर है। नगर निगम के अधिकारियों ने कच्चे क्वार्टर की मार्केट की मेन गली को खाली करने के आदेश दिए थे लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी अपनी टीम के साथ कच्चे क्वार्टर मार्केट में पहुंचे और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए, वहीं सामान को भी जब्त किया गया। कच्चे क्वार्टर क्षेत्र में जो लोगों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया हुआ है उसके ऊपर ये दैनिक रूप से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो जो इसमें अतिक्रमणकर्ता पाए गए हैं उनके विरुद्ध आज चालान किए जा रहे हैं, जिसमें माननीय आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया है कि इनके ऊपर दैनिक रूप से कार्रवाई जाएगी जब तक ये लोग अपने उसमें सुधार नहीं लाते। सर बात करें कितने चालान जो है आज किए गए हैं? अभी चालान की प्रक्रिया जारी है, लगभग 4-5 हो गए, बाकी सबका सामान जब्त किया जा रहा है। कच्चे क्वार्टर में जाम की स्थिति एनक्रोचमेंट के कारण बनी रहती है, इसकी बहुत शिकायतें मेरे पास प्राप्त हो रही थी। एक टीम का गठन भी मेरे द्वारा आदेश किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी आज मैंने खुद मौका निरीक्षण किया है और मैंने पाया है कि यहाँ के दुकानदारों द्वारा बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण वाहन भी नहीं निकल पाते और आज हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जिनके भी अतिक्रमण पाए गए उनका सामान जब्त किया गया, उनके चालान काटे गए हैं और निगम की तरफ से सख्त चेतावनी मान लें, यहाँ पर कोई एनक्रोचमेंट कतई भी अलाउड नहीं किया जाएगा। भविष्य में पाया गया तो दोबारा कार्रवाई।